हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान की बहुत ही फेमस कांजी वड़ा की रेसिपी, जो कि स्पेशल जो है होली में ही बनाई जाती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर पानी जो है बॉयल करने रख दिया है। तो पानी हम जब बॉयल करके कांजी बनाएंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये पानी काफ़ी गर्म हो गया है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने रख देंगे। और तब तक चलते हैं, हम आगे की तैयारी पूरी करते हैं। अब जो दूसरी तैयारी करनी है वो हमें राई को जो है रोस्ट करना है। तो यहाँ मैं लाल और पीली दोनों राई ले रही हूँ, आप काली राई भी ले सकते हैं। तो 2 चम्मच मैंने ये वाली राई डाली है और 2 चम्मच ही मैं इसमें पीली राई डाल रही हूं और इन्हें मैं रोस्ट कर लूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर रही हूं और कुछ ही सेकंड के लिए हम इन्हें रोस्ट करेंगे। जब हम ये रोस्ट करके डालते हैं ना, तो जो कांजी होती है वो जल्दी से खराब नहीं होती है और बढ़िया से ये रोस्ट होके मसाला उसमें डलेगा। तो राई और सरसों जो है पीली और अजवाइन, ये रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमारा राई जो है ठंडी हो गई है और इसे मैं एक मिक्सी जार में डाल दूंगी और अब हम इसमें डालेंगे हमारे कुछ मसाले। तो इसमें हम लेंगे नमक, तो जितना हमने राई लिया था उतना हम नमक ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच जो है अभी नमक ले रही हूँ। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च फ्लेवर के लिए। इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी काला नमक, भुना जीरा और इन सबको हम मिक्सी में एक बार अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक बिल्कुल महीन पाउडर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मसाला हमने देखिए पीस लिया है और यहाँ मैंने दही ली है 2 चम्मच के आसपास और इस मसाले को हम इस दही में मिला देंगे जो अभी हमने पीसा है। और अब हम मिलाएंगे इसमें सरसों का तेल। तो 1 चम्मच भर के हम सरसों का तेल इसमें डालेंगे और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे मिक्स करके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका बढ़िया सा एक पेस्ट बना लिया है। यहां मैं आपसे बताना चाहूंगी कि अगर आप दही डालना चाहें तो डाल सकते हैं और स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर जो राजस्थान में कांजी वड़ा बनता है उसमें दही जरूर डाली जाती है, पर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इस डिब्बे को मैंने लिया है, मेरे पास यही डिब्बा था प्लास्टिक का, आपके पास कांच का हो तो आप कांच का भी ले लीजिए। अब इस पेस्ट को हम इसके अंदर अप्लाई कर देंगे ब्रश की हेल्प से, इस तरह से हम ले लेंगे और इसको अंदर लगा देंगे इस तरह से। तो मैं अभी आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसे अच्छे से अंदर अप्लाई कर दिया है और अब जो इसका मेन प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो यहाँ मैंने एक कटोरी ले ली है और ये कोयला लिया है जिसे मैंने अच्छे से जला लिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। और इसे हम देंगे एक अच्छा सा स्मोक इस तरह से, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं। ये स्मोक देख लीजिए आप कितने बढ़िया से इसके अंदर गया है और अभी मैं इसे बंद कर दूंगी और इसके बाद दिखाती हूँ आपको आगे का प्रोसेस।
तो फ्रेंड्स ये हमने ढक्कन लगा दिया था और सारा जो स्मोक है इसके अंदर ही रह गया, और अब हमने जो पानी गर्म करके रखा था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया, तो हम इसमें डाल देंगे। तो पूरा पानी इसमें आ गया है और इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इस तरह से, और इसे हम 3 से 4 दिन अच्छी खासी धूप में रखेंगे। तो बढ़िया से इसे मिक्स करेंगे और 3 से 4 दिन में ये काफी जो है खट्टी हो जाएगी। और मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ मैंने पहले भी ये बना के रखा हुआ था, आपको दिखा रही हूं मैं, तो ये जो है काफी खट्टी हो गई है और ये खत्म भी होने वाली है अब तो। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि जब ये फर्मेंट हो जाएगी ना, तो ये जितना भी हमने इसमें राई डाली थी ये फूल कर ऊपर आने लग जाती है। तो अब हम इसके लिए बनाएंगे वड़े। तो वड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने दाल ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने जो दाल ली है वो है, ये है हमारी मूंग की दाल और ये है हमारी उड़द की दाल। आप चाहे तो सिर्फ मूंग की दाल से भी बना सकते हैं। तो इसे मैंने ओवरनाइट जो है सोक करके रख दिया था और इन दोनों को मैं एक बार और अच्छे से धो लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और जितनी मैंने मूंग डाली है उतनी ही मैंने उड़द डाली है, यानी कि जो भी मेजरमेंट आप रखेंगे इन दालों का तो बराबर ही रखिएगा। तो अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल दूंगी दोनों को। तो मैंने ये दोनों दालें मिक्स कर दी है और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसके साथ साथ मैं डालूंगी इसमें अदरक और हरी मिर्च और इसे मैं अच्छे से पीस लूंगी बिना पानी के। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो दाल है हमने अच्छे से पीस लिए है और इसे मैं एक बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी। तो इसे मैं साइड में रखती हूँ और यहाँ फ्रेंड्स मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी, तो मैं अब डाल दूंगी इसमें हींग। मैंने जब टेस्ट करके देखा तो मुझे कुछ मिसिंग लग रहा था और तब ध्यान आया कि इसमें मैंने हींग तो डाली ही नहीं। तो इसे हम स्टर कर देंगे। तो जब आप मसाला पीस रहे थे ना इसका, तो तभी आप हींग डाल दीजिएगा। और इसे भी हम साइड में रखते हैं और चलते हैं हमारे वड़े बनाने के प्रोसेस में। तो मैंने दाल पिसी हुई जो थी हमारी इसमें ट्रांसफर कर लिया और इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा और इसे जो है हम कम से कम 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से फेंट लेंगे। मैं यहाँ चम्मच की हेल्प से फेंट रही हूँ, आप चाहे तो हाथों की मदद से भी इसे फेंट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक बढ़िया से जो है फेंट लिया है, और अगर आप ज़्यादा ना फेंटना चाहें तो आप बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से एक कटोरी लेंगे, उसमें हम ये थोड़ा सा बैटर डालकर देखेंगे। तो देखिए ये फूल कर ऊपर ही आ रहा है, तो इट मीन्स कि बैटर परफेक्टली जो है हमारा डन हो गया है। तो हम अब अपने जो हमारे वड़े हैं उसे हम फ्राई करेंगे। उससे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ एक पानी तैयार कर लूंगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लिया, उसमें हींग डाल दिया है और इसमें डाल दूंगी मैं नमक और इसे हम मिक्स करके रख देंगे। और जब हम ये हमारे वड़े जो है फ्राई करेंगे तो डायरेक्ट इस पानी में हम डालेंगे। यह हमारा ऑयल भी जो है गर्म होने रख दिया था हमने और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये एकदम से फूल कर जो है ऊपर आ गया है, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। तो इसी तरह से हम हमारे सारे जो है वड़े फ्राई करेंगे। तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं और छोटे बड़े चाहे जैसे भी वड़े आप बना सकते हैं इसके लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये ऑयल में जो है फ्लोट कर रहे हैं। जब हमारा बैटर जो है परफेक्टली डन होता है और तो ये इस तरह से फ्लोट करने लग जाते हैं, चाहे आप इसे पानी में डाल के चेक कीजिए चाहे ऑयल में। तो इसे हम अच्छे से पका लेंगे। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे वड़े हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब मैं क्या करूंगी, इन्हें निकाल कर उस पानी में डालूंगी जिसमें मैंने नमक और हींग मिला के रखा था। इसी तरह से हम हमारे बाकी के वड़े भी जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वड़ों को रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं और अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से हल्के हाथों से स्क्वीज कर लेंगे और इसे हम डाल देंगे हमारे कांजी में। तो ये जो कांजी मैंने आपको बताई थी कि मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई थी और जो अभी आपके सामने बनाई है वो अभी उसे 2 से 3 दिन लगेंगे फर्मेंट होने में। तो इस तरह से स्क्वीज करते हुए हम ये डाल देंगे। तो मैंने ये जो सारे कांजी थी वड़े थे इनमें मिक्स कर दिया है और इसे हम गार्निश करेंगे फ्रेश पुदीना के साथ। और आप चाहें तो इसमें जो बूंदी आती है वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब बारी है इन्हें सर्व करने की। तो मैं क्या करूंगी, पहले कुछ आइस क्यूब्स डाल दूंगी। इस तरह से, और इनमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिंट लीव्स। और अब हम इन्हें मिक्स करके इसमें डाल देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा कांजी वड़ा। राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर ये ड्रिंक है और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। वड़े डालने के बाद कांजी में जो है आप इसे आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा ताकि जो वड़े हमारे वो अच्छे से कांजी को एब्जॉर्ब कर सके। तो इस होली से जरूर ट्राई कीजिएगा और अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।